हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसपीकेच मुंडे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें इसी तरह की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो चुके हैं और एग्जाम सेंटर भी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना एग्जाम सेंटर नहीं देखा कहाँ पर क्या एग्जाम सेंटर क्या है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको बताऊँगा। एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो चुके हैं, आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम सेंटर की लिस्ट दिखा देता हूँ जहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर आपको देखना है, कैसे देखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लिस्ट है 15 पेज की लिस्ट है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल कर हम अपने एग्जाम सेंटर देख सकते हैं कि आपको अपना एग्जाम देने जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो आइकन बार दे रखा है यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद हमें जो अपना रोल नंबर डाल देना है, जैसे कोई भी डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे डाल दिया है चलो इतना ही डाल के दिखा देता हूँ, बस वहीं पर हाईलाइट होते चला जाएगा। वैसे ही अपना रोल नंबर डाल कर सर्च कर सकते हैं और अब यहाँ पर एग्जाम सेंटर ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एग्जाम सेंटर जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ एडमिट कार्ड के बारे में, वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, जहाँ पर आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, मैं आपको बताऊँगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, रजिस्टर कराया था, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर वो फिलअप करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। डेटा को चूज़ करने के बाद ये कैप्चर नज़र आ रहा है, इस कैप्चर को हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आज की वीडियो में बस इतनी ही बात शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।